पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी द्वारा एक वर्ष पहले 7 सितंबर को भारत जोड़ो नफरत छोड़ो नाम से शुरू की गई यात्रा के एक साल पूरा होने के मौके पर बुधवार को मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कंपनी बाग शहीद स्मारक पार्क तक पैदल यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई यात्रा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद और महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए। सभी हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर कंपनी बाग स्थित गांधी पार्क पहुंचे। पूर्व जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा और जिला महासचिव भयंकर सिंह बौद्ध ने यात्रा को 2024 चुनाव के लिए काफी अहम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी काफी जिम्मेदारी से मैदान में हैं, वो लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं। साथ ही वो वादा कर रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार आने पर आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जनहित के कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अजय सोनी, सुधीर पाठक, संजीव शर्मा, राजेंद्र बाल्मीकि आदि भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी ने आज ही के दिन यानी 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उन्होंने समस्त करीब करीब समस्त भारत का भ्रमण किया। वो पहले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने आज तक देश आज़ाद होने के बाद अगर किसी ने कोई यात्रा की है तो वो राहुल गांधी जी ने वो यात्रा की है, उसके अलावा किसी ने नहीं की। अब वो पुनः एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसी संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी, पूर्व मंत्री के निर्देश पर आज के दिन हमने ये एक यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय असलम खुर्शीद, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनुभव मेहरोत्रा जी और समस्त कांग्रेस जनों ने ये अंबेडकर पार्क से इस यात्रा की शुरुआत की है और ये यात्रा शहीद पार्क यानी कंपनी बाग में इसका समापन होगा और भविष्य में भी ये यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इन यात्राओं का पूरे जनपद में भी की यात्रा की जाएंगी। और इस यात्रा में हमारे जो सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं भाई सुखराज जी भी इस यात्रा में मौजूद हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से और महानगर कांग्रेस की तरफ से सभी फ्रंटल संगठनों का, कांग्रेस जनों का, महिलाओं का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज जिस तादाद में हैं लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूं सन 2024 में जिस मकसद के लिए राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी सन 2024 में, समस्त कांग्रेस जन मिल के राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो सांप्रदायिक की बात करता है, जातिवाद की बात करती है जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये वही जो 2 की तादाद में थे भारतीय जनता पार्टी, उसी 2 में पहुंच जाएगी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो बेरोजगारी हटाएं, किसानों का ऋण माफ करें। आज तमाम ऐसे लोगों को मेरे ख्याल कई लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया। इससे से साबित होता है सरकार किसानों की नहीं है, सरकार बेरोजगारों की नहीं है, सरकार माइनॉरिटी की नहीं है, सरकार है अडानी की और अंबानी की। यही लोग सरकार को चला रहे हैं, इन्होंने इस देश को बर्बाद किया। मेरे एक सवाल है, सनातन पर चोट हो रही है, आप खुद पंडित हैं, आपके राष्ट्रीय उनके बेटे ने सनातन पर चोट की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, बात उस समय भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर, हिंदू धर्म पर और ब्राह्मणों पर जब चोट की थी, तो मैंने उस समय भी मेरे तमाम मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु सब मौजूद थे, मैंने कहा जो सनातन पर, हिंदू धर्म पर, ब्राह्मण पर जो वार करेगा, जो चोट करेगा, मैं सबसे पहले वो हूँ, उसके बाद कांग्रेसी हूँ। मैं निश्चित रूप से उसका विरोध करता हूँ। और आज जो स्टालिन के लड़के ने कहा और जिसमें जो जो समर्थन जिन लोगों ने किया, मैं उसे उनका उनकी निंदा करता हूँ। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, स्वयं खड़गे जी से करता हूँ, अगर कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहकर हिंदू और सनातन धर्म का विरोध करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मैं उनकी मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है आपके अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ? देखिए, ये काम जो है राष्ट्रीय हाई
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।